हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे कढ़ी, वो भी पंजाबी स्टाइल में, राइस का बेस्ट फ्रेंड। वैसे तो कढ़ी बहुत तरीके से बनाते हैं, गुजराती कढ़ी, सिंधी कढ़ी और राजस्थानी कढ़ी, सबका अपना डिस्टिंक्ट फ्लेवर होता है। तो चलिए झटपट बनाते हैं कढ़ी। तो कढ़ी को मिक्स करने के लिए हम सबसे पहले लेंगे दही। दही थोड़ा सा थिक लेंगे तो अच्छा होगा। इसमें जाएगा हमारा बेसन, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हींग पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा ये हमारा कोरिएंडर पाउडर है, धनिया पाउडर, ये हमारा जीरा पाउडर है। अब हम इसमें डालेंगे नमक, ये हमारा विस्क हो गया। इसमें जाएगा चॉप्ड अनियंस, चॉप्ड गार्लिक, चॉप्ड जिंजर, अदरक और थोड़ा सा कटे हुए आपके ग्रीन चिलीज। इन सबको भी आप मिक्स करिए। इनके मिक्स होने के बाद हम डालेंगे इसमें पानी बहुत सारा, क्योंकि ये हमारा कढ़ी के लिए, जो पकोड़े जो बनेंगे उसके लिए ये हमारा कढ़ी बनेगा बेस। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए। उसके बाद हम बैठाते हैं एक कढ़ाई, जिसको हम पहले एक टेम्परिंग देंगे, उसके बाद हम इसको बॉईल होने देंगे। और इसमें जाएगा ऑयल, ऑयल गर्म होने के बाद हम डालेंगे इसमें मेथी, इससे एक डिस्टिंक्ट फ्लेवर आता है। फिर हम डालेंगे इसमें साबुत जीरा, थोड़ा सा और मेथी पाउडर और हल्दी पाउडर, और उसके बाद जो हमने ये पानी और ये सारा मिक्स किया हुआ था, ये जो घोल बनाया था, हम इसको इसमें डाल देंगे। इस कढ़ी को हम आधे घंटे तक स्लो में सिम में इसको उबाल लाने तक बैठा देंगे धीरे धीरे। चलो ये हमारा एक साइड हम कर देते हैं और इसको सिम में उबलने देते हैं। तब तक हम फिर इसके लिए पकोड़े बनाने की तैयारी करते हैं। इसको हम अलग एक और गैस में बैठा देते हैं और कढ़ाई में तेल गरम करते हैं। चलो अब पकोड़े बना लेते हैं। तो हमने एक बोल लिया, उसमें हम डालेंगे बेसन पकौड़ों के लिए। आपका अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा हींग का पाउडर, थोड़ा सा वैसे हमने पहले ही डाला हुआ है, लाल मिर्च पाउडर, ये हमारा बेकिंग सोडा है थोड़ा सा एक चुटकी, ये हमारा जीरा पाउडर है, मैंने एक फुल छोटा स्पून डाल दिया, ये हमने साबुत जो कोरिएंडर है वो भी डाला है एक स्पून छोटा, और पड़ेगा थोड़ा सा पाउडर्ड कार्डमम, वही धनिया पाउडर जो है वो भी पड़ेगा,
और थोड़ी सी हल्दी पाउडर। जैसे कि ये पंजाबी कढ़ी है तो इसमें हम डालेंगे स्पिनच चॉप किए हुए ऐसे फाइनली चॉप्ड, पालक। अब इन सब को हम मिक्स करके पकोड़ों में तल देंगे ऑयल में। ये हमारा प्रॉपर मिक्स हो गया है, ये उसका ऐसा कंसिस्टेंट रहना है बैटर हमारा। हमारा ऑयल गरम है, हम ऐसे ऐसे छोटे छोटे पकोड़े बनाते जाएंगे। इनको फ्लिप कर दीजिए। हमारे पकोड़े अच्छी तरह से तल गए हैं दोनों तरफ से। अब हम इनको इस तरह से दोनों प्लेट एक प्लेट में निकाल देंगे। देखिए, और बाकी जो हमारा बचा हुआ बैटर है हम उसके भी ऐसे ही पकोड़े बना देंगे। हमारा ये कढ़ी जो है वो पक पक के आधा घंटा हो गया है और बहुत अच्छा कलर इसमें आया हुआ है। अब हम इसके लिए टेम्परिंग रेडी करते हैं और जाएगा इसमें ऑयल। आप इसके जगह में घी भी डाल सकते हो। जो हमने पकोड़े जो बनाए थे वो हम जब सर्व करेंगे उससे पहले ही डालेंगे, तो मैं इसमें डाल दे रही हूँ क्योंकि मैं अभी खाने वाली हूँ चावल के साथ। So I have added, ध्यान से ताकि ये पकोड़े टूटे ना। Now जो हमने इसके ऊपर फाइनल जो है हमारा टेम्परिंग दैट इज तड़का, ये है हमारा धनिया, साबुत धनिया। और जाएगा थोड़ी सी सूखी मिर्च। इसके बाद जाएगा फाइनल थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, वो इसलिए ताकि इससे जो हमारा कढ़ी है और भी कलरफुल हो जाएगा। वाह क्या खुशबू है। सो हमारा ये टेम्परिंग इसके ऊपर फाइनल है। हमारा पंजाबी कढ़ी तैयार है। लुक एट द कलर। यस, लेट्स सर्व इट। तो बन गया ना हमारा टेस्टी पंजाबी कढ़ी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय। टिल देन हैप्पी कुकिंग।